नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। नेपाली क्रिकेटर संदीप लमिछाने को आज क्रिकेट जगत में कौन नहीं जानता। वो संदीप ही हैं जिन्होंने नेपाल क्रिकेट को एक नई पहचान दिलाई है। दुनिया में क्रिकेट की ऐसी कोई लीग नहीं है जिसमें ये खिलाड़ी खेला ना हो, चाहे IPL हो या फिर BBL। ये चेहरा आपको हर जगह अपना जलवा बिखेरता नजर आ जाएगा। ऐसी ही एक और लीग है जिसका नाम है D100। इसमें भी ये खिलाड़ी दिखाई देना था, मगर अब ऐसी खबर सामने आई है कि लीग के दो दिन पहले ECB ने संदीप को इस लीग से बाहर कर दिया है। बताया जा रहा है कि ECB ने संदीप लमिछाने के वीजा को अवैध करार देते हुए उन्हें जल्द से जल्द नेपाल लौटने को कहा है। संदीप लमिछाने को ओवल इंसिबिल्स की टीम ने शामिल किया था, जिसके लिए उन्होंने इंग्लैंड पहुंचकर 8 दिन क्वारंटाइन के भी पूरे किए थे। इस घटना के बाद संदीप लमिछाने ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस घटना की पूरी जानकारी दी और साथ ही साथ अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ECB की तरफ से उन्हें अभी तक कोई भी साफ जवाब नहीं मिला है। संदीप ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, D100 में ओवल इनविजिबल्स की टीम की ओर से खेलने को लेकर काफी उत्साहित था और मैंने ECB की ओर से बताए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन भी किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे लीग को मिस करना पड़ रहा है, जिससे मैं काफी निराश हूँ। जब मैंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए Tier 5 वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन तब मुझे बताया गया था कि एक स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट T20 ब्लास्ट और D100 में हिस्सा लेने के लिए काफी रहेगा। वैसे संदीप लमिछाने को इस लीग में देखना काफी बेहतर रहता। खेल की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ वन इंडिया स्पोर्ट्स के साथ।